दोस्तों यू कैन सी इसी जगह पे लोग खड़े थे सुबह। हेलो हेलो क्या हुआ ना हेलो हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे सुबह यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में कुछ बच्चे दिखे और ऐसे सुनने में आया है कि यहाँ पे कुछ चल रहा है, 11 तारीख आने वाली है, उससे प्रोटेस्ट के बारे में सुना था। मुझे आवाज़ आ रही थी कुछ भी हो रहा है, तो देखते हैं क्या ऐसा नया देखने को मिलता है यूनिवर्सिटी में। तो मुझे लास्ट जरूर देखें। दोस्तों यू कैन सी इसी जगह पे लोग खड़े थे सुबह और आवाज़ भी आ रही थी, पता नहीं, मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ कि एक्चुअली वो हो कहाँ रहा है या बच्चे कहाँ कलेक्ट हो गए हैं। लेकिन देखिए कितना खूबसूरत है यूनिवर्सिटी का व्यू, देखिए। तो अभी तो नहीं दिख रहे हैं, तो एक काम है, बैंक में जाता हूँ, बैंक में कुछ काम है, तो देखते हैं अगर मिल रहा तो दिखाता हूँ, अदरवाइज़ और यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि थोड़ा सा मौसम अच्छा है आज। एंडेस पर्वत दिखाता हूँ, बहुत ही फिर से एक फ्रेश बर्फ़ की चादर अभी एंडेस पर्वत के ऊपर आई है, तो देखते हैं आज क्या देखने को मिलता है यूनिवर्सिटी के टूर में। तो दोस्तों एटीएम से पैसे तो निकाल लिए हैं और अभी चलते हैं ऑफिस की तरफ, जो चीज़ देखने के लिए आया था वो देखने को नहीं मिली यहाँ पर, तो देखते हैं अभी ऑफिस में जाते हैं और अपना थोड़ा काम करते हैं। दोपहर को एक डांस होता है यहाँ पर, अभी इंडिपेंडेंस डे चिले का, तो उसकी प्रैक्टिस चलती है ग्राउंड में, तो वो भी मुझे देखने के लिए जाना था, तो दिखाता हूँ कैसा प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों अभी मेरा खाना हो गया है और अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा वॉक के लिए, लेकिन अभी एक मेल पड़ा था कि अभी चिले का इंडिपेंडेंस डे है और यूसी में हमारी यूनिवर्सिटी में जो चिले का ट्रेडिशनल डांस है, अगर किसी को उसमें पार्टिसिपेट करना है तो वो आज आ सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस चल रही है। तो टाइम दिया था 1:40 से 2:30 का, देखते हैं अभी मैं जा रहा हूँ वो चालू है कि नहीं, देखता हूँ, अगर चालू होगा तो आपको भी दिखाता हूँ कि वो लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं और चिले का ट्रेडिशनल डांस कैसे होता है, तो वीडियो ज़रूर देखें। ये देखिए एंडेस पर्वत अभी पूरे क्लाउड्स में ढका हुआ है, इतना सुंदर लगता है यूनिवर्सिटी में जब बारिश होती है तब बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अभी वो प्रैक्टिस चल रही है वो डांस की, मैं दूर से देख रहा हूँ क्योंकि मुझे तो नहीं आएगा करना, ये तो ये लोग अभी सिखा रहे हैं, जो बीच में है वो कोच है और वो डांस कैसा करना है ये सब चीज़ सिखा रहे हैं।
दोस्तों को जिस तरीके से वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, जब ये लोग ड्रेस में होते हैं तो खूबसूरत लगते हैं, उनका डांस बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ का ट्रेडिशन है चिले का, बहुत सी चीज़ें देखने वाली मतलब देखने को मिलेंगी इस मंथ में क्योंकि इनका इंडिपेंडेंस डे। देखिए मैं दिखाता हूँ इनका ड्रेस कैसा होता है, देखो कुछ लोग आ रहे हैं आगे से, दिखाता हूँ मैं आपको। हेलो हेलो क्या हुआ ना हेलो आपने देखा होगा ऐसे ही कुछ तरीके का ड्रेस होता है इनका। अब ये लोग सब प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी क्योंकि इंडिपेंडेंस डे में ये सब लोग परफॉर्म करेंगे, अपने अपने तरीके से परफॉर्म करेंगे, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। हम भी घूमेंगे जितना हम घूम सकते हैं, जितना हम देख सकते हैं ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं फुटबॉल ग्राउंड में, बहुत ही बड़ा फुटबॉल ग्राउंड है। चिले में फुटबॉल सबसे ज़्यादा खेला जाता है, अच्छा लगता है मुझे। खाना खाने के बाद मैं डेली घूमता हूँ ऐसा, तो कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाता है। एंडेस पर्वत दिखाता हूँ आपको, खूबसूरत व्यू ऑफ एंडेस पर्वत। ये देखिए दोस्तों एंडेस पर्वत का व्यू, पूरा क्लाउड है अभी तो दिख रहा है जो एंडेस पर्वत है। सुबह मॉर्निंग में जब बारिश हो रही थी तो पूरा मतलब ढक गया था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, जैसे हमारा हिमालयाज है उसके जैसा लगता है। अभी मुझे देख देख के आदत हो गया है, देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो दोस्तों आज तो मतलब मैं जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा था कि वीडियो में दिखाना चाहिए वो मुझे देखने को नहीं मिली, लेकिन ऐसा बोला गया है कि 11 दैट इज़ ऑन मंडे देर इज़ अ स्ट्राइक इन द यूनिवर्सिटी। तो और यहाँ पे जब स्ट्राइक होती है तो कॉलेज बंद हो जाता है, और यहाँ का स्ट्राइक करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, तो मैं मंडे को प्रेफर करूँगा घर में ही रहूँ। और ज़्यादा मतलब क्या बोले, यहाँ पे स्ट्राइक होता है तो ये लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, बोलते हैं कि आप मत आइए या फिर जल्दी कॉलेज को छुट्टी हो जाती है, ये सब चीज़ों यहाँ पे बहुत मैटर करता है। अब स्ट्राइक किस लिए हो रही है मुझे नहीं पता, और मैं कभी इस पे ध्यान देता भी नहीं हूँ कि क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में, बस अपने को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, यही मेरा एम होता है, फैमिली को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। तो ये वीडियो में मैंने जो भी दिखाया ये मैं डेली ऐसे ही घूमते रहता हूँ यूनिवर्सिटी में, जब मेरा लंच हो जाता है तो मैं घूमते रहता हूँ, एक आध किलोमीटर घूम लेता हूँ, तो बहुत सी चीज़ें देखने को मिल जाती है। हर टाइम रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता है, जितना पॉसिबल होता है उतना मैं जो अगर चीज़ कुछ यूनिक लगती है, जैसे आज वो डांस यूनिक था क्योंकि जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो डांस की, मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए, इसलिए मैं आज का व्लॉग बनाया। और सुबह वो प्रोटेस्ट हो रहा था वो भी दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मुझे दिखे नहीं, वो कहाँ चले गए। तो इस तरीके से कुछ नई नई चीज़ें मैं दिखाते रहता हूँ चिले के बारे में, इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको चिले का कल्चर पता चलेगा कि चिले में हो क्या रहा है, कैसे लोग रहते हैं, कैसी चीज़ें मिलती है, ये सब चीज़ें आपको मेरे वीडियोस में देखने को मिलेंगी। मेरे वीडियोस में आप कभी फूडिंग का ब्लॉग आता है, तो कभी मैं कहीं घूमता हूँ इसका ब्लॉग आता है, कभी मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, जैसे मैंने कल एक वीडियो डाला था कि 10 रीजन्स वाई यू शुड जॉइन चिले फॉर द जॉब्स एंड ऑल, तो ऐसे वीडियोज़ भी आते रहेंगे, तो मिक्सअप है लेकिन जिसको जो चीज़ें देखना है वो चीज़ें लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, चैनल को लाइक कीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। सो